मतदान के दिन उम्मीदवार ईश्वर की शरण में होते हैं, पूजा पाठ करती तस्वीरें हमें मिलती हैं। और ऐसी एक तस्वीर हमें मिली है शिवराज सिंह चौहान की, वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ये देखिए आप, नतमस्तक ईश्वर की शरण में सुबह सुबह पूजा पाठ करते हुए। विदिशा में आज मतदान है जहां से वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, यहां इस सीट से सांसद भी रहे, एक बार फिर से चुनाव के मैदान में हैं। मैं सभी बहनों और भाइयों से, भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव, और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करें। तो शिवराज सिंह चौहान की बात आपने सुनी, लेकिन गुजरात की 25 सीटों पर मतदान है और उसमें एक भावनगर की सीट है, वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव, उनके पास चलते हैं। विवेक का सुबह के 7 बजने में बस कुछ मिनट बाकी हैं, तो क्या हलचल है, वोटर्स में कितना उत्साह है? देखिए राजेंद्र, मैं यहाँ पर भावनगर में खड़ा हूँ और ये हनौल है। हनौल में ही मनसुख मांडविया जो हैं वो पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं पर वो वोट करने के लिए आएंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो यहाँ से उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार वो पोरबंदर से हैं, यहाँ उनकी वोटिंग है इसलिए वोट करने आएंगे, वो अपडेट तो देंगे। यहाँ पर जो है भावनगर की ये जो सीट है ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। बीजेपी की यहाँ से कैंडिडेट हैं नीमूबेन भामनिया और उमेश मकवान जो है आम आदमी पार्टी के हैं, वो यहाँ से चुनाव अपना वो लड़ रहे हैं। यहाँ पर कई बड़े मुद्दे हैं, कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जैसे कि मजदूरों का पलायन और स्वास्थ्य की समस्या, उसकी वजह से भी यहां से मनसुख मांडविया को वो टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि ये सवाल हम उनसे पूछेंगे कुछ ही देर में, वो आने वाले हैं। 7 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू होगी, यही वो पोलिंग बूथ है। हालांकि यहाँ पर अभी तो हलचल नहीं है, 7 बजे से जो लोग हैं वो आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मनसुख मांडविया इसी सीट पर जो हैं वो वोट करने के लिए आने वाले हैं। कई मुद्दे हैं जिस पर यहाँ का चुनाव अब की बार ये लड़ा जाने वाला है, लेकिन ये जो सीट है ये बीजेपी का वो गढ़ मानी जाती है और अब की बार भी प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद है। मकवाना ने हालांकि पहले ही बयान दिया था, मकवान ने उन्होंने ये कहा था कि जो यहाँ के अस्पताल हैं उनकी स्थिति वो सुधारी जाएगी, ये अहम मुद्दे रहने वाले हैं। कुछ ही देर में जब यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी तो मैं फिर वापस लौटूंगा और आपको अपडेट दूंगा। राजेंद्र, बिल्कुल मतदान कर्मी वहाँ पर बिल्कुल तैयार है उस पोलिंग बूथ पर, हमने देखा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर में राजभवन से निकलेंगे और सुबह 7:30 बजे वो मतदान करेंगे। लेकिन उसके पहले जो पोलिंग बूथ है वहां पर देखिए आप, जहां पर उन्हें मतदान करना है, अभी 39 मिनट का वक्त बाकी है, लेकिन उससे बहुत पहले वहां पर ढोल बजने शुरू हो गए। तैयारी पूरी है, इसके पहले के वर्षों में जब उन्होंने मतदान किया वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और ये तस्वीर भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।